उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में गुलाबथी थाना क्षेत्र के गांव उल्ढा में पिछले तीन दिनों में तीन व्यक्तियों की संदिग्ध हालत में मौत हो जाने के कारण गांव में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों ने गांव में जहरीली शराब बिक्री व ग्रामीणों के द्वारा उक्त जहरीली शराब पीने के कारण मौत हो जाना का दावा किया है। घटना से पुलिस व प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। डीएम और एसएसपी सहित तमाम अधिकारियों ने आज गांव में जाकर हालत जाने। जिस शराब ठेके से शराब बेचने का मामला बताया जा रहा था उसको सील किया गया है। सरकारी ठेके से शराब के सैंपल लिए गए हैं। ग्रामीणों और मृतक परिजनों की मांग है मृतकों को आर्थिक सहायता प्रशासन या शासन स्तर पर दी जाए। बुलंदशहर का जिला प्रशासन, जिलाधिकारी और एसएसपी गुलाबथी थाना क्षेत्र के उल्ढा गांव में पहुंचे, जहां ये जानने का प्रयास किया है कि गांव में कितनी मौतें जहरीली शराब से हुई हैं। प्रशासन को जैसे ही यह सूचना मिली तो डीएम व एसएसपी मौके पर पहुंचे और गांव वालों से अलग अलग बात कर सबसे जानकारी ली है। गांव में मौत का कारोबार कौन चला रहा है? ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में ही नकली शराब का धंधा हो रहा है। जहरीली शराब को सस्ते दामों पर लाकर लोग गांव में बिक्री कर रहे हैं, जिसको गांव के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति खरीद लेते हैं और पीकर बीमार हो रहे हैं या फिर मौत के शिकार बन रहे हैं। पिछले तीन दिनों में तीन मौत हो चुकी हैं, जिनमें दो मौत 17 तारीख को हुई और एक मौत आज हुई है। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने थाना पुलिस को दी और जिस पर तमाम पुलिस व प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने घटना के बारे में जानकारी की है। सभी ग्राम वासियों को ये सूचित किया जाता है कि आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति उसको ये बात के लिए सचेत करे कि कोई भी व्यक्ति अवैध शराब के ठेके से शराब खरीद कर उसका सेवन करना भी न करे। यदि कोई व्यक्ति अवैध जगह से शराब खरीद कर उसका सेवन करता है तो ये उसके लिए जीवन को खतरा पैदा हो सकता है। यदि गांव के किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि शराब पीने से किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो रही है तो उसकी सूचना मनोरमा जी, ये बताइए कि जो आपके परिवार में जो मौत हुई है कौन लगते थे आप? देवर थे आपकी। कैसे मौत हुई उनकी? गांव में जहरीली शराब कारण हुई। जहरीली शराब? अच्छा, क्या आप लोगों की क्या मांग है ये बताइए। गरीब किसान लेकिन मदद करे, छोटे बच्चे। क्या नाम है माता जी आपका? मीनू यादव।
ये बताइए आपके ये परिवार में जो मौत हुई है कौन लगते थे आप? मेरे भतीजे। आपके भतीजे? किस तरीके से मौत हुई है, क्या वजह है? ये गांव में जहर बिक रहा जी, शराब में जहर बिक रहा है। हाँ। इन्होंने शराब पिया उसमें जहर है। हाँ। वो पकड़नी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, कितने लोगों की आपके गाँव में मौत हुई है? तीन लोगों की मौत, तीन की हो चुकी। और ये किसान आदमी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके एरे ये बेटी है, इससे छोटा बेटा है, इनकी कोई मदद होनी चाहिए, इनकी मदद सरकार मदद करे। इससे छोटा बेटा है, ये बेटी है, कमाई कुछ है नहीं, बस किसान आदमी। ये शराब बंद होनी चाहिए, घर बिक रहा गाँव में। क्या नाम है आपका? मेरा नागेंद्र राज यादव। नागेंद्र जी, ये बताइए आपकी भाई की जो मौत हुई है किस कारण मौत हुई है, क्या वजह? मेरे भाई की जो मौत हुई है जहरीली शराब पीने के कारण हुई है। कौन सा गांव है? मेरा ग्राम ओलेढ़ा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। कितने लोगों की और मौत हुई है? इस जहरीली शराब को पीने से दो व्यक्तियों की मौत और हुई है, और जिसमें कि दोनों के नाम मैं आपको बता दूं, उसमें एक मेरे सगे ताऊजी के लड़के हैं मुकेश, और दूसरे लड़के हैं नानक। यानी कि आपके परिवार अरवीर सिंह, दो लोगों की मौत हुई है? दो लोगों की मौत हुई है। मेरे निजी परिवार में दो लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है, और एक और जो व्यक्ति है गांव का, दूसरा जो हरवीर नामक व्यक्ति है। ये शराब कहां से खरीदी थी? ये गांव में ही लोग बेचते हैं, इस चीज का धंधा करते हैं, और उन पे कोई अंकुश नहीं है, गाँव के ही लोग हैं। अच्छा, क्या ये ठेके से शराब खरीदी थी या गाँव से शराब? नहीं, गाँव से खरीदी गई है शराब। गाँव से शराब खरीदी? हाँ, अलीगल तरीके से। इधर मेरी तरफ मत देखना, इधर देखना। क्या नाम है आपका? महावीर सिंह। महावीर सिंह जी, आपके परिवार में किसकी डेथ हुई है और किस कारण डेथ हुई है? मेरे छोटे भाई की एक्सपायर हुए हैं जी, और जहरीली शराब के कारण, ये जो गांव में जहरीली शराब के कारण। मतलब कहां से वो शराब खरीदी थी? ये तो गांव में से ही खरीदी है सर। गांव में से खरीदी? हाँ जी। गांव में अवैध शराब बिकती है क्या है? हाँ जी, अवैध शराब बिकती है। हाँ जी। तो ये बताइए, ये जो शराब का सेवन किया है, कितने लोगों ने शराब का सेवन किया? सर, कितनों की डेथ हुई है? तीन की डेथ हो चुकी है जी, एक तो आज और दो 16 तारीख में जी। अच्छा। हाँ जी। प्रशासन ने अभी तक कुछ मदद किया? अभी कुछ नहीं सर। बकलाड़ा गांव में तीन व्यक्तियों की मौत बताई जा रही है जहरीली शराब पीने से, क्या जांच में निकला है, क्या पाया गया? देखिए, अब तक एक औलेड़ा गांव थाना गुलावटी क्षेत्र में है, वहां पर इससे पूर्व में शराब का ठेका है। जब हम लोगों ने मौके पर जाके छानबीन की तो पता चला कि 14 तारीख की शाम को गांव के 6 लोगों ने वहां से शराब मंगाई थी, और 15 तारीख को दिन भर उसमें से 3 लोग शराब पीते रहे, 16 तारीख की शाम को भी शराब पिया, और 16 तारीख की रात को लगभग 9:30 बजे के आसपास उनमें से एक व्यक्ति नानक जो चारपाई पे लेटा हुआ था, लेटे लेटे उसकी मृत्यु हो गई। कोई लक्षण या कोई परेशानी नहीं थी, घर वालों ने समझा हार्ट अटैक है, अंतिम संस्कार कर दिए। दूसरा व्यक्ति मुकेश की रात को 12:30 बजे के आसपास इसी तरह से डेथ हो गई, और तीसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम महसूस होने लगी और उसको वोमिटिंग आनी शुरू हुई, तो घर वाले उसको इलाज के लिए ले आए, बाद में दिल्ली में रेफर हो गया। दिल्ली में 2-3 दिन तक उसका इलाज होता रहा, आज सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से 3 अन्य लोगों ने भी उसी शराब को साथ में पिया था, लेकिन लाने वाला एक ही आदमी था, उसी ने दोनों को दी थी। वो तीनों पूरी तरह से फिट हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिलहाल प्राथमिक छानबीन में हम लोगों की जो ठेका है उस पर भी सील कर दिया गया है, और उसकी गहराई से छानबीन की जा रही है। दूसरा ये भी देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने शराब पी थी, क्या इन्होंने चखने में कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु नहीं खाई जिसकी वजह से पॉइजनस हो गया हो, या अन्य क्या कारण हो सकते हैं। दूसरा विश्राम प्रिजर्व है, उसकी परीक्षण रिपोर्ट से भी इस तथ्य का आकलन होगा कि क्या कारण थे। लेकिन फिलहाल जो अब तक की जाँच से सामने निकल के आया है, वो ठेके के जो भी उसके आस पास शीशियाँ पड़ी थी उनको स्कैन करा के देखा गया, तो कोई आपत्तिजनक शीशी इस तरह की नहीं पाई। मिस इंडिया की शराब इन लोगों के द्वारा गांव के ही एक लड़के के माध्यम से ठेके से मंगवाई गई थी। इससे पूर्व में ठीका वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिलहाल बहुत गहराई के साथ हम लोग सारे तथ्यों की छानबीन कर रहे हैं। दो लोग जो पहले मरे थे उसके संबंध में लोगों को किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी, लेकिन आज जब तीसरे की मृत्यु हुई है तो एक संशय लोगों के दिमाग में उठा है, और गहराई से हम इसकी जाँच कर रहे हैं।
कहना है कि क्षेत्र में ही शराब बिक रही है और कहीं से लाई जा रही है? देखिए, जो हम लोगों को बताया गया है उसमें लोगों ने बताया कि इसेपुर के ठेके से उन्होंने गांव का ही एक लड़का जो उस ठेके पे काम करता है उसी से मंगवाया था और उसी शराब का सेवन किया। लेकिन अगर और कोई बात जानकारी में आती है तो उसके हिसाब से हम लोग वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ठेके की शराब के सैंपल हुए? हाँ, ठेके की शराब पूरी तरह से सील कर दी गई है और आबकारी विभाग और पुलिस के लोग लगातार उसकी चेकिंग कर रहे हैं। बाहर जितने भी उसकी शीशियाँ मिली थी उनके ढक्कन थे उनको स्कैन करके देखा गया तो किसी में अभी तक फिलहाल अब तक की जो हुई है उसमें कोई आपत्तिजनक सीसी नहीं पाई गई। परिजनों को और ग्रामीणों को सर मुआवजे की मांग की बात आ रही है। अब इस प्रकरण में जिलाधिकारी अपने स्तर से इस पूरे प्रकरण को देखेंगे क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो तथ्यात्मक स्थिति है वो आपके सामने रख दी गई है। धन्यवाद।